एक राजा था, वो राजा जंगल में एक मंदिर उसने बनाया और वो वहीं ध्यान करता, पूजा करता, एकांत में, राज्य से अलग जंगल में भगवान का भजन करता, भगवत चिंतन करता, बहुत सुकून से भगवान की आराधना करता। एक दिन भगवान प्रसन्न हो गए, राजा के सामने आ गए। राजा से कहा प्रभु ने, राजन कुछ वरदान मांगो। राजा बहुत समझदार था और बहुत बड़ा भक्त भी था। राजा ने कहा प्रभु आप यदि कुछ देना चाहते हैं तो मैंने तो आपका दर्शन कर लिया, अब मेरी जितनी प्रजा है मैं चाहता हूं कि मेरी प्रजा आपका दर्शन करे और आप तक वो पहुंच जाए, क्योंकि संसार में भूले भटके लोग संसार में इस तरह उलझते हैं कि ईश्वर तक पहुंच ही नहीं पाते, ईश्वर तक पहुंच ही नहीं पाते। आप कृपा करिए। भगवान बोले अच्छा ठीक है, कल सुबह 10 बजे तुम सबको ले आना, जो जो मेरा दर्शन करना चाहे मैं सबको मिलूंगा। राजा पूरे गांव में डिंडोरा पिटवाते हैं, चलो चलो भगवान मिलेंगे। अब फ्री में भगवान मिले तो ना देखने वाला भी मन बना लेता, मिल रहे चलो भैया देख लें कैसे होते हैं। सारा गांव, बच्चे बूढ़े, पति पत्नी, लड़की पुरुष, सब बच्चा बच्ची सब रेडी हो गए, ढोल मजीरा लिया और सब कीर्तन करने लग गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, सारे लोग चले, राजा आगे आगे प्रजा पीछे पीछे, चलो आज तुम्हें भगवान का दर्शन कराएंगे। सारी सेना चली, राजा की पूरी प्रजा चली कि जैसे ही गांव से बाहर निकले तो सारी प्रजा ने देखा कि पैसों का ढेर लगा था। उस सारे गांव वाले पैसे में चढ़ गए, समेटने लग गए। राजा बोले आगे भगवान है, पैसे में क्यों उलझ रहे हो? अरे बोले भगवान तो कल भी मिल जाएंगे, ये पैसा थोड़ी मिलेगा कल। अब तो लो भैया गांव वाले भरने लग गए, राजा समझा रहे हैं आगे भगवान है, भगवान है। गांव वाले बोले हमारा बहुत कर्जा है, अच्छा हुआ कि उतर जाएगा। पर कुछ लोग बड़े समझदार थे, बोले नहीं भगवान से बड़ा पैसा थोड़ी है, चलो। कुछ लोग समझदार, राजा बोले अच्छा चलो तुम दर्शन कर लो, चले। आगे चले तो लोगों ने देखा जो पैसे से छूटे थे, उन्होंने देखा आगे कुछ दूरी पर के सोने का ढेर लगा है, सोने के सिक्के, सिक्के चम 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 चमक रहे हैं। अब तो उन लोगों को लगा सोना नहीं छोड़ सकते, चढ़ गए, अपना सारा कपड़ा उतार दिया और कपड़े ही में भरे सोना, पल्लू बिछाया, दुपट्टा बिछाया, जितना जिससे बना बांध बांध के गठरियां लोग ढोने लग गए। राजा समझाए कि बस आगे भगवान है। कुछ लोग कौन थे? सिर्फ राजा की पत्नी रानी। सारे सोने में उलझ गए, कोई पैसा में उलझ गया, कोई सोने। रानी, राजा बोले अच्छा चल, सब तो नहीं चल रहे हैं, सबको राजा समझा रहे हैं चलो भैया भगवान, सब लोग पैसे में उलझे, सोना में उलझे। पत्नी चली, पर जैसे ही 100-200 कदम बढ़ाया तो आगे ऐसे ऐसे हीरे मोती जवाहरात का ढेर देखा रानी ने। तो रानी बोली महाराज ऐसा वाला हीरा अपने खजाने में नहीं है, मैं तो इसी का झुमका पहनूंगी। रानी चढ़ गई, अब बढ़िया बढ़िया हीरा समेटने लग गई। राजा बोले तू तो चल भाग्यवान, भगवान खड़े हैं। बोले भगवान से कहना कि कल मिले। पत्नी नहीं गई, समेटती रही एक से बढ़कर एक।
राजा रोता हुआ, राजा रोते हुए अकेले गए। भगवान इंतजार कर रहे थे। कल तो आपने कहा था कि सारी प्रजा को लाओगे, कहाँ है? भगवान से रोते हुए कहा, प्रभु आए तो सब आपको ही पाने थे, सब रास्ते में उलझते चले गए। यही गति हमारी और आपकी है।